दो बॉडी है, एक ए है और एक बी है, अलग अलग मासेस है। आपको पता है कि मासेस काइनामेटिक्स में रोल प्ले नहीं करता है, जब तक उस पे अगर मतलब अगर मासेस, देखो अगर मैं किसी एच हाइट की बिल्डिंग से, एक मिनट, मासेस मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं एच हाइट की बिल्डिंग से 1 kg और 3 kg का बॉल ड्रॉप करता हूं, तो मास कोई रोल प्ले नहीं करता, ये मेरे कहने का मतलब था, ठीक है? ऐसा नहीं, तो ये 1 kg और 3 kg का ड्रॉप एच हाइट से ड्रॉप करता हूं तो मासेस का कोई रोल नहीं है, ठीक है? ये क्योंकि वो कांस्टेंट एक्सलेशन अर्थ लगा रही है, ठीक है? अब रिस्पेक्टिवली द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो एच हाइट है, तो यच हाइट पर इनका जो एक्सलेशन है वो जी है, 9.8 या 10 m/s है, वो इस बॉडी की मास से कोई लेने देना नहीं है, है ना? इंटरेस्टिंग बात, क्योंकि वो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। चलो, तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो टाइम निकालना, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, हाफ ए टी स्क्वायर। जब आप जीरो से गिराए थे, ड्रॉप किए थे, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ड्रॉप करने पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? जीरो होती है। तो h1 तो टाइम t1 इज इक्वल टू 2h/g अंडर रूट, ठीक है? 2h/g, इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइम का रेशियो है, द टाइम ऑफ टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड। अब कहता है कि हाइट अलग अलग है, तो टाइम टेकन मतलब t1/t2 का जो रेशियो है, t1/t2, ठीक है, h के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब h1/h2, h1/h2 अंडर रूट कर सकते हो ना भाई, ठीक है? h1/h2, h1 पहले कितना, 16/25, 16/25 4/5, 4/5 ये वाला, ठीक है? चलो,